ओहो माय गॉड गाइस, ये अपने दया की हालत किसने कर दी ऐसी? इसको तो पूरा कछुआ निकाल दिया है। फ्लैशबैक। फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन एंड गाइस आप मेरे चेहरे पे खुशी साफ देख सकते हो, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों की वजह से फाइनली एक अच्छे घर में रह पाऊंगा अब, क्योंकि आप ऐसे काफी लोगों ने मुझे मेरे डिस्कॉर्ड पर घर बना के भेज दिए हैं। तो कभी आप भी चाहते हो कि मैं भी आपके बनाए हुए घर में रहूं, तो वीडियो के बाद मुझे फॉलो कर लेना और मुझे घर भेज देना। लेकिन तब तक मैं यहां तो रह नहीं सकता, तो इसलिए मैं आज जा रहा हूं दया के गांव, क्योंकि उसने मुझे वहां पर बुलाया है। उसने बोला कि जब तक मेरा घर का बंदोबस्त नहीं हो जाता है, मैं उसके पास उसके घर में जाकर रह सकता हूं। एंड गाइस मुझे मालूम है कि आप में से काफी लोगों ने दया का घर नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने आज तक दिखाया ही नहीं ना। वैसे आपको पता नहीं, उसने हाल ही में एक बड़ा सा नया घर बनाया है, एकदम भयंकर बड़ा सा। वैसे मुझे भी उसका घर देखना है, तो चल के अपन देखते हैं। वो सुंदर, तू बाबूजी का ध्यान रखना, और जब मैं भी तुझे बोलूंगा ना, तो तू बाबूजी को ना कार में बिठाकर दया के घर ले आना। ओके माय डियर, बड़े भैया ले आऊंगा। चलो भाई अपन चलते हैं दया के घर और देखते हैं कि अपना दया कैसा है, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलूंगा उससे। ओके गाइस, फाइनली मैं वो लोकेशन पर आ गया हूं जहां पर दया ने अपना नया घर बनाया है, और उसने मुझे इधर ही किधर की लोकेशन बताई थी। अबे यार भाई, ये क्या है यार, मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ पर ये डुकर अपने पिछवाड़े का दर्शन देने पहुँच जाता है। तेरे पिछवाड़े बहुत बदसूरत दिखते हैं, यहाँ से निकल जा। ओके, अब ये दया का घर कहाँ है? मैं तो यार वहीं हूँ जहाँ पर मेरे को दया ने बताया था, मैप पर भी वही लोकेशन दिखा रहा है। किधर है भाई? अरे इधर ही तो है भाई। मैं भी ना वो डोरा द एक्सप्लोरर जैसी हरकतें करने लग जाता हूँ, चीजें सामने ही होती है और मैं पागल की तरह ढूंढता रहता हूँ। अरे ये सब बातें छोड़ो और ये देखो। ओहो भाई साहब, दया ने कुछ ज्यादा ही बड़ा घर नहीं बना दिया? दया ने मुझे बताया जरूर था कि उसने घर बना लिया है, लेकिन इतना बड़ा मैंने सोचा नहीं था। भाई ये क्या हो रहा है यार, सब अमीर होते जा रहे हैं और मैं गरीब पे गरीब होता जा रहा हूँ। दया के पास अब इतना पैसा कहाँ से आ गया? वो तो मेरा नौकर था, मैंने कभी उसको इतना पैसा दिया भी नहीं। अरे हाँ, उसने मुझे बताया था कि उसने छोटे छोटे से बिजनेस चालू कर दिए और उसके अंडर 150 लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगा था कि इसे छोटे मोटे बिजनेस करेगा तो क्या ही कमा लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही पैसा कमा लिया है भाई। यहाँ पर पता नहीं दया ने कौन सा बिजनेस खोल रखा है, समझ ही नहीं आ रहा है। और ये देखो, ये अंकल यहाँ पर खुले में कर रहे हैं। खुले में हकना बंद करो। अरे अंकल खुले में नहीं करना चाहिए, करना है तो जाके झाड़ियों में करो, थोड़ा अपने आसपास के लोगों का लिहाज रखो। ये दया ने कैसे नौकर पाल रखे हैं यार, शायद ये भी सब दया के नौकर ही हैं। अच्छा तो यही है वो लोग जो दया के अंडर काम करते हैं। देख रहे हो गाइस, दया मेरा नौकर है, लेकिन उसके नीचे 30 से 40 नौकर काम कर रहे हैं। इसके हिसाब से तो मुझे भी अमीर होना था। कोई सेंस है इस बात की? एक सेकंड, अब यहाँ पर किस चीज का बिजनेस चल रहा है? ये शायद लकड़ी वगैरह काटने की दुकान है। ये देखो यहाँ पर लकड़ी काटने की मशीन भी रखी है, और हो सकता है कि यहाँ पर हथियार भी बनते हो। वैसे देखा जाए तो बढ़िया दुकान है ये भी। और ये चेस्ट में क्या रखा है? अरे ये तो गरीबों का खाना रखा है भाई, लेकिन अपन भी तो गरीब है, इसलिए रख लेते हैं सबको। ये देखो यहाँ पर हथौड़े का भी साइन बना है, इसका मतलब ये हथियार बनाने की दुकान है। ओ भाई लोगों, जाके काम वाम करो, दया को बोलकर तुम्हारी पगार कटवाना पड़ेगी। अच्छा हमको सिखा रहा है? क्या मट्ठे नौकर पाल रखे यार दया ने, उसको बोलना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पर किस चीज की दुकान है? ये शायद मुझे कॉपी किताबों की दुकान लग रही है। जाते जाते यहाँ से एक दो किताब जेठे के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि पढ़ता ही नहीं साला वो। अरे दादा एक सेकंड, अंकल आपकी टोपी तो बड़ी मस्त दिख रही है। थैंक यू। मुझे दे सकते हो? एक बार पहन के देखनी है। अरे नहीं देना है तो मत दो, चिल्ला क्यों रहे हो भाई? अरे भाई वहाँ पर कौन खड़ा है वो ऊपर? वो अपना दया है क्या? नहीं यार दया तो नहीं लग रहा यार, लेकिन वो वहाँ पर क्यों खड़ा है? गलती से टपक गया तो मर जाएगा। पता नहीं भाई क्या हो रहा है यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे दया और उसके परिवार में से कोई बंदा अभी तक दिखा क्यों नहीं। अब ये वाली किस चीज की दुकान है भाई? अरे भाई यहाँ पर तो फूल बिकते हैं। वाह भाई ये तो बढ़िया बिजनेस है, ये वाला तो अपन भी कर सकते हैं। जंगल से फूल तोड़ के लाओ और यहाँ पर बेच दो। ओहो माय गॉड क्या मस्त बैनर है यार, इसको गायब कर देते हैं चुपचाप से। इसको ना अपन अपने नए घर में लगाएंगे। वैसे गाइस ये सब दुकान देखकर मुझे लगता है कि मुझे भी अपना एक छोटा सा बिजनेस खोलना चाहिए, तो फटाफट से कमेंट करो कि मुझे किस चीज का बिजनेस खोलना चाहिए। यार अपन ये बिजनेस की बातें तो बाद में भी कर लेंगे, मुझे ना दया से मिलना है। वो कहाँ पर है? जब से आया हूँ मेरे को दिखाई नहीं वो तो। और यार ये दया ने घर को अंदर से बनाने में कंजूसी कर दी है क्या? अभी कितना छोटा घर बनाया अंदर से, उसकी यहाँ पर पूरी फैमिली फिट हो जाती है क्या? पता नहीं भाई। ओके यहाँ पर भी एक फ्लोर है, इसका मतलब ये चौड़ाई में कम है लेकिन हाइट में ज्यादा है, तो फिर तो दया का पूरा परिवार यहाँ पर फिट हो जाता होगा। अबे भाई यहाँ पर भी दया नहीं है, शायद दया ऊपर होगा। यहाँ पर है क्या दया? यहाँ पर भी नहीं है। और भाई यहाँ पर कितना सारा सामान भर रखा है, इतना सारा खाना और पता नहीं और भी चीजें हैं। ये चेस्ट में क्या है? अबे खाली है तो। अबे भाई लोग तुम लोग यहाँ पर क्या टाइम पास कर रहे हो? जाके नीचे काम करो, सब मट्ठेगिरी करने में लगे हुए यहाँ पर। दया को बोलना पड़ेगा भाई, क्या मट्ठे नौकर पाल रखे उसने? अब शायद ये आखिरी फ्लोर है और अभी तक अपने को दया नहीं दिखा है। एक सेकंड, मैंने अभी क्या देखा वहाँ पर? ये कौन है भाई और क्या हालत हो रखी इसकी? ये कहीं अपना दया तो नहीं? अरे ये तो अपना दया ही तो है, लेकिन भाई अपने दया की हालत ऐसी किसने कर दी? ऐसा लग रहा है किसने मार मार के पूरी बॉडी क्रैक कर दी, और देखो आंखें भी काली हो गई हैं, और देखो यार कैसे बेचारे घुटनों के बल बैठा हुआ है। ओहे उठ दया, तुझे क्या हो गया? बाप रे कितनी खतरनाक बारा बजा दी इसकी किसी ने। अभी तुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या हुआ?
भाई तू बता, तुझे तो मालूम होगा। अबे तो तुम करते क्यों फिर यहाँ पर है के? एक सेकंड, वहाँ पर भी एक गोलम है लेकिन पता नहीं आ रही है अपनी मस्ती में कहाँ जा रहा है। अब हार में किससे पूछूं? एक मिनट, यहाँ पर ये दया के बच्चे बैठे हुए। अरे दया ने तो मुझे कभी बताया नहीं कि उसके चार चार बच्चे हैं। उसका तो बस एक ही लड़का है, गया नाम का। पता नहीं भाई दया ने कहाँ छुपा के रखे थे यार, लेकिन जो भी हो पता नहीं बेचारे बच्चों को क्या होगा। एक सेकंड, यहाँ पर कौन है? अरे ये तो गया है, दया का बेटा गया। अबे गया तू इतने सदमे में क्यों खड़ा है, कुछ तो बोल। अरे अंकल मेरे पापा की क्या हालत कर दी। लेकिन मुझे ये बता किसने करी तेरे पापा की ऐसी हालत? अरे अंकल वो पिलेजर वासियों ने करी है। लास्ट टाइम वो लोग हार गए थे ना, तो उसका बदला लेने के लिए मेरे पापा को बहुत मारा उन्होंने, और ऊपर से सब लूट के भी ले गए। मेरे दादा दादी ताता ताती तब को ले गए और अपने अंधे पे बंद कर दिया उनको। गाइस सॉरी, ये ना थोड़ा सा तोतला बोलता है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। असल में क्या हुआ है कि पिलेजर वासियों ने दया को बहुत मारा और इसके पूरे परिवार को भी उन्होंने कैद कर लिया। हाँ यार, अपने बेचारे दया पर मुसीबतें आती रहती है। गाइस लास्ट टाइम भी आपको याद होगी पिलेजर वासियों ने दया के परिवार की क्या हालत करी थी, उल्टा लटका दिया था उन सबको। सही में यार वो अपनी हरकतों से बाज आती ही नहीं है। गोए बेटा टेंशन मत ले, तेरे कैरिटी भाई चाचा है तेरे साथ, मैं तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तू एक बात बता कि तू कैसे बच गया? अरे अंकल मैं ना संडास में जाके छुप गया था। भाई तूने ये अच्छा करा कि तू संडास में जाके छुप गया था, वरना तेरे को भी पकड़ के ले जाते। ओके तो सबसे पहले अपन क्या करें? सबसे पहले तो अपने को देह को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए अपने को बुलाना पड़ेगा अय्यर साइंटिस्ट को, क्योंकि जो अपने अय्यर भाई है ना वो पार्ट टाइम गोलम के डॉक्टर भी है। तो ठीक है, फटाफट से उनको बुलाते हैं। कॉलिंग अय्यर बाय। यार भाई एक घंटा हो गया, ये अय्यर भाई कहाँ रह गए? उनको मैंने लोकेशन भी अच्छे से समझा दी थी, लेकिन तब भी इतना लेट क्यों कर रहे हैं वो? अरे अरे वो देखो वो आ गए। और एक सेकेंड, ये अय्यर भाई ने नई गाड़ी कब खरीद ली भाई? बताया नहीं इन्होंने मुझे। अब यार इनसे मिठाई लेना पड़ेगी। चलो वो सब तो बाद में ले लेंगे। अरे अय्यर भाई इधर ही किधर गाड़ी पार्क कर दो और ऊपर आ जाओ। अरे क्या कर रही है अय्यर भाई? अरे वो अय्यर भाई इधर ऊपर देखो, इधर ऊपर आ जाओ। ओके ओके देख लिया उन्होंने, चलो आ रहे वो। चलो भाई फाइनली अपना दया एक्टिवेट हो जाएगा। अरे अय्यर भाई किधर रह गए थे आप? अरे वो बबीता ने मुझे रोक लिया था। काश यार हमें भी कोई रोकने वाला होता। अरे छोड़ो यार मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ। अरे वो अय्यर भाई जरा ये दया को देखना तो क्या हो गया इसको? अरे बाप रे इसकी तो पूरी वार लगा दी किसी ने, हर जगह से इसको तोड़ दिया। ये ठीक तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। देखा गाइस मैंने बोला था ना अय्यर भाई गोलम के डॉक्टर है। देखो इनके पास दया को ठीक करने के लिए एक स्पेशल गोलम किट भी है। ओ अय्यर भाई आपने देख लिया ना दया को अच्छे से? आप बताओ ये कब तक ठीक हो जाएगा? अरे तुम टेंशन मत लो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा और फिर ये ठीक हो जाएगा। पर इसकी हालत ऐसी हुई कैसे? अरे अय्यर भाई मैं आपको क्या बताऊं, वो पिलेजर वासियों ने इसकी बारह बजा दी, इसको मार मार के इसका कछुमा निकाल दिया। आप तो यार प्लीज इसको ठीक करो। ठीक है फिर चालू करते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके गाइस अय्यर भाई ने दया पर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया है। देखो इन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी लैब बना दी यार। बाप रे कितना खतरनाक दिख रहा है ये सेटअप, पता नहीं यहाँ पर क्या क्या लगा दिया अय्यर भाई ने। यार ये तो इनको ही समझेगा, अपने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखो गाइस यहाँ पर अय्यर भाई समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दया को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो तुम मेरे को परेशान मत करो, जाके उधर खड़े हो जाओ। अरे अरे सॉरी अय्यर भाई मैं उधर जाके खड़े हो जाता हूँ, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। चलो भाई अपन यहाँ पर शांति से खड़े होकर देखते हैं। और देखो गाइस मैंने गया को बोल दिया कि यहाँ पर वो आराम से सो जाए, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गाइस अय्यर भाई आ गए ना तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो फाइनली गाइस अपने अय्यर भाई ने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया है। देखो कितने ध्यान से देख रहे हैं दया को, कुछ तो निकाला है अय्यर भाई ने, देखते हैं इससे क्या होता है। ओहो माय गॉड, अय्यर भाई ने तो यार एक झटके में ठीक कर दिया दया को। यार ये तो बोल रहे थे कि वो टाइम लगेगा और पता नहीं यार इन्होंने क्या लगा। देखो अपना दया एकदम ठीक हो गया। सही बता रहा हूँ दया को देखकर इतना कभी खुश नहीं हुआ जितना आज हूँ। थैंक यू अय्यर भाई, मन कर रहा है मैं आपकी पप्पी ले लूँ। तमीज मेरा, मैं लड़की नहीं जो तुम मेरी पप्पी लोगे। अरे अय्यर भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं कहाँ आपकी पप्पी लूंगा। और ऐसा लग रहा है अय्यर भाई को मेरे से ज्यादा खुशी हो रही है। अरे अय्यर भाई इतना उचको मत, आपकी टांग टूट जाएगी। होगी गई अपना दया तो ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी जो दया का परिवार है वो प्लेजर वासियों के कब्जे में ही है और उनको बचाने के लिए अपने को दया की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यार मुझे दया अभी भी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। यार अय्यर भाई आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे यार दया बहुत स्ट्रांग हो जाए और जाके वो प्लेजर वासियों की वार्ड लगा दे? हाँ मैं कर सकता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके अब देखते हैं ये अय्यर भाई क्या करते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, ये अय्यर भाई ने वहाँ से क्या निकाल लिया? ओहो माय गॉड, ये अय्यर भाई ने कितनी बड़ी तलवार निकाल ली यार। अब ये क्या करेंगे भाई, ये तलवार ही दया को दे देंगे क्या? अरे हाँ इन्होंने तो ऐसे ही करा, इन्होंने वो हरी तलवार ही दया को दे दी। यार अय्यर भाई इससे क्या काम हो गया? हाँ हो गया, अब तुम इसको लेके जाओ, ये वो प्लेजर वासु की वार्ड लगा देगा। हाँ अय्यर भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है, देखो ये दया वो ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है अब। चल भाई दया अब तेरे बाप का दादा का बेटे का सबका बदला लेके आते हैं। अब तो कोई जबन वो प्लेजर वासु को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा वो अपने दया को परेशान नहीं करेंगे। यार हद होती हर चीज की। एक काम करते हैं अपन ये अय्यर भाई की बाइक ले चलते हैं, क्योंकि वो दूर जाना है। चल रहे दया तू पीछे आ रहा है ना, फटाफट से मेरे पीछे आ जा, आज तो वो प्लेजर वासु की खैर नहीं। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं प्लेजर वासु के अड्डे पर। एंड से बता रहा हूं गाइस मेरे दिल में बहुत धक-धक हो रहा है, पता नहीं अपन ये दया के परिवार को कैसे बचाएंगे। और गाइस वो देख रहे हो ना जहाँ से धुआं निकल रहा है वही ये प्लेजर वासु का अड्डा। पहले ना ये बेस इतना बड़ा नहीं था, अब देखो यार ये प्लेजर वासु ने बड़ा ही तगड़ा बेस बना लिया है। एक सेकंड में देखूं वहां पर कितने प्लेजर वासी खड़े हैं, कम ही खड़े हैं। और गाइस उसने मुझे देख लिया। चल 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 दया भाग यहां से। और देखो गाइस ये दया ने इनको मारना चालू कर दिया है। बहुत बढ़िया, मार मार दया सबको मार। ओहो भाई देख रहे हो क्या, दया तलवार घुमा घुमा के मार रहा है इनको। चल दया फटाफट से यहां पर सबको निपटा दे, इन लोगों ने मेरे को भी बहुत परेशान कर रखा है।
है। अरे दया इसको तो टपका, तू का निकल के आगे इसको तो टपका। अरे भाई तू उसको काम मारने लग गया, पहले इसको टपका, ये मेरी 12 बजे आ रहा है। हाँ मार इसको। क्या बात है दया, तू तो यार बहुत तगड़ा निकला यार, मानना पड़ेगा यार भाई को, उन्होंने बहुत खतरनाक बना दिया अपने दया को। अब मुझे यहाँ पर कोई भी प्लेजर वासी दिख नहीं रहा है। अरे नहीं नहीं, आ रहे आ रहे, देखो वो आ रहा है, लेकिन ये लोग टिक नहीं पाएंगे, अपना दया सबकी वार्ड लगा रहा है भाई। अरे ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं यार। अरे देखो वो एक और आ गया। अरे भाई जाके छुप जाओ, मत आओ दया के सामने, आज दया बहुत खतरनाक मूड में, सबकी वार्ड लगा देगा दया। और अरे गाइस देखो इनकी तो पूरी पलटन आ गई भी यहाँ पर। यार दया मार सबको, ये लोग मेरी वाट लगा रहे हैं। यार ये मुझके क्यों मार रहे हैं यार, इनकी तो दुश्मनी दया से है ना भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो, भाग लो यहाँ से। दया जाके उधर मार यार, मेरे पीछे क्या आ रहा है। हाँ जा फटाफट से इनको निपटा यार, फिर तेरे घर वालों को भी बचाना है। क्या बात है, देखो गाइस एक शॉट में ही दो दो को निपटा रहा है अपना दया। अब बस ये दो तीन ही बचे, फटाफट से दया इनको निपटाते, फिर अंदर जाके देखते हैं। चलो मेरे हिसाब से रास्ता साफ है, और गाइस कभी यहाँ पर प्लेजर वासी आते भी हैं तो अपना दया उनको संभाल लेगा। चलो अभी प्लेजर वासी के बेस में घुसते हैं और देखते हैं कि दया के परिवार को इन्होंने कहाँ छुपा कर रखा है। बाहर पर कितनी फेंसिंग कर रखी है इन्होंने बेस के आसपास, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ओहो शायद यहाँ पर ही अंदर जाने का रास्ता। और भाई इन्होंने बेस तो अंदर से बड़ा अच्छा बना रखा है यार, मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए, बहुत हेल्थ कम कर दी प्लेजर वासियों ने। ओके यहाँ पर अपने को एक ब्रेड मिल गई है, और पता नहीं अभी मैं किस साइड हूँ। एक काम करते हैं इधर ऊपर चल के देखते हैं इस साइड कुछ है क्या। नहीं भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे कमरे बने हैं ऐसा लग रहा है। यार ये मैं किधर आ गया हूँ, शायद ये प्लेजर वासियों का हेडक्वार्टर लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पर भी एक चेस्ट इसमें का रखा है। ओहो माय गॉड इतने सारे डायमंड, लगता है ये प्लेजर वासियों का खजाना है। चलो भाई लूट लो यार, यहाँ पर तो आना अपना सफल हो गया। अबे यार मैं भी कहीं चीजों में लगे, अपने को दया के परिवार को ढूंढना है। एक सेकंड, यहाँ पर भी ऊपर जाने का रास्ता है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके अरे भाई साहब इट इज जस्ट अनएक्सपेक्टेड, मुझे तो 1% नहीं लगा था कि यहाँ पर दया का परिवार मिल जाएगा। चलो भाई फाइनली थैंक्स गॉड दया का परिवार मिल गया। देखो गाइस ये सब दया के चाचा चाची मामा मामी है। अब अपने को ये मिल गए तो फटाफट से इनको हम यहाँ से निकालते हैं। टेंशन मत लो आप सब, मैं आप सबको यहाँ से सेफली निकाल लूंगा। तो एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ पर निकलने की जगह बनाते हैं। चलिए सब मेरे फटाफट से पीछे आ जाइए। अब गाइस अपने को कुछ नहीं देखना है, फटाफट से यहाँ से अपने को भागना है। ओहो माय गॉड यहाँ पर तो ढेर सारे प्लेजर वासी हैं यार, चलो फटाफट से भागो। अबे दया फटाफट से इन सबको संभाल। अबे दया तू भी चल चल यार, तू भी कहाँ उनसे भिड़ रहा है। यार ही दया के बदले की आग अभी तक बुझी नहीं है। तो गाइस फाइनली अपन ने दया के परिवार को बचा लिया है, और अब इनको मैं घर छोड़ देता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।